नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं finalpost.in। हमारे दादाजी के पास एक हाथी था, वो हाथी मर गया। अब मेरे पास सिर्फ उसकी एक जंजीर बची है, जिसे हम बड़े शान से कहते हैं कि हमने हाथी देखी है, और उसकी झूठी शान में अपनी मूंछ टाइट किए फिरते हैं। बिहार चुनाव 2020 के नतीजों के सामने आ जाने के बाद यह एक आलाप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए उपयुक्त बैठता है। बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चलते हुए राष्ट्रीय जनता दल के सत्ता सुख के स्वप्न को कांग्रेस ने चेन खींचकर पश्चाताप के स्टेशन पर अकेला छोड़ दिया, जहां राजद ने 144 सीटों में से 75 सीटों पर किला फतह किया, वहीं कांग्रेस ने 70 सीटों पर मात्र 19 सीटों पर जीत का परचम लहराया। वहीं कल तक बिहार में अपनी आखिरी सांसें गिन रही लेफ्ट पार्टियों की बात करें तो 16 सीटों पर जीत हासिल की। जीत के जश्न में डूबे झोलाधारी कॉमरेड लेनिन और मार्क्स के सिद्धांत से ज्यादा कॉमरेड तेजस्वी को धन्यवाद दे रहे होंगे, जिनके वोट कन्वर्जन के सिद्धांत के तहत लेफ्ट पार्टियों को बिहार में आईसीयू से बाहर निकलने का मौका मिला। लेकिन बिहार की जनता ठहरी डॉक्टर, उसने लेफ्ट पार्टियों को आईसीयू से निकालकर कांग्रेस पार्टी को आईसीयू में भर्ती करा दिया। अभी 1985 के बाद से कांग्रेस पार्टी शायद ही किसी बिहार विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र रूप से 75 के आसपास के भी आंकड़ों को छू पाई है। गठबंधन की गोंद भले ही 2015 से 2020 में बदल गई हो, लेकिन कांग्रेस इस बार बिहार की जनता की अपेक्षाओं की जगह एग्जिट पोल के विध्वंसकारी परिणाम से चिपक गई। एग्जिट पोल देखते ही कांग्रेस आला कमान ने सुरजेवाला जैसे चुनावी समीक्षकों को पटना भेज दिया। चलिए इसी बहाने कोरोना काल में होटलों और कार सर्विस को कुछ तो फायदा हुआ। अब इसे आप रोजगार सृजन कहेंगे या नहीं कहेंगे? कांग्रेस की शर्मनाक हार की श्रृंखला का कारण हर राज्य में कुछ एक सा ही है। अगर इसे एनालाइज करें तो आज लगातार सियासी जनाधार खोते जाने के साथ ही कांग्रेस एक बहुत ही कमजोर संगठन हो गई है। जमीनी स्तर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा के 15 लाख प्रति व्यक्ति वाली चुनावी जुमले से ज्यादा कुछ भी नहीं। वहीं बड़े नेता गुमनामी और नाराजगी के पलड़ों को बराबर करने के प्रयास में जुटे हैं। यही कारण है कि राष्ट्रीय जनता दल जैसी रसूखदार क्षेत्रीय पार्टी होने के बावजूद भी कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनाव में अपना आंकड़ा 20 के पार भी नहीं ले जा सकी। अभी अंग्रेजी में एक कहावत है, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, मतलब कि खाने को उतना ही लेना जितना आप चबा सकें। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मनोज झा ने काफी पहले ही सियासी कब्ज से ग्रस्त कांग्रेस को कम सीटों पर लड़ने की नसीहत दी थी और उसके हठ और लालच को लेकर चेताया भी था। परंतु राजद को तो छोड़िए, खुद कांग्रेस ने भी कल्पना नहीं की होगी कि उनकी ये पांडवों वाली हठ सियासी चित्रपटल पर कांग्रेस की चीरहरण का कारण बनेंगे। कई पॉलिटिकल एनालिस्ट ने उस समय भी इस बात पर चिंता जाहिर की थी कि महागठबंधन में कांग्रेस जैसे कमजोर घटक दल को 243 में से 70 सीटें क्यों दी गईं। बहरहाल तेजस्वी को कांग्रेस से जो इस चमत्कार की उम्मीद थी वह पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। वहीं हार के बाद कांग्रेस अन्य तथा कथित सेक्युलर पार्टियों को चेता रही है कि ओवैसी की AIMIM भाजपा के साथ मिलकर वोट कटवा की भूमिका निभा रही है। मुस्लिम यादव समीकरण MY समीकरण में से यादव वोटर तो राजद के साथ चले गए, मुस्लिम वोटर ओवैसी साहब ले गए, तो कांग्रेस के पास जनाधार के नाम पर बिहार में पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचा। तेजस्वी की सभाओं में उमड़े जन सैलाब को काउंटर करने के लिए जब भाजपा ने अपने बड़े नामों को बिहार में चुनाव प्रचार के लिए भेजा तो कांग्रेस को भी राज बब्बर और अपने अध्यक्ष राहुल गांधी को बुलाना पड़ा। इस बिहार विधानसभा चुनाव ने भी यह साबित कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी के सियासी कद और उनके सूझबूझ के बराबरी के लिए अभी राहुल गांधी को राजनीति में कई जादुई कालीन की जरूरत पड़ने वाली है। जबकि किसान बिल, रोजगार, प्रवासी मजदूर और गिरती GDP जैसे कई ज्वलंत मुद्दे लोगों के जहन में बिल्कुल हरे थे। उसके बाद कांग्रेस ने युवा कार्ड भी खेला। शॉटगन स्टार नेता शत्रुघ्न सिन्हा के स्टार पुत्र लव सिन्हा बांकीपुर विधानसभा सीट से हार गए। वैसे ही कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी सुभाषिनी शरद यादव, जो कि कद्दावर नेता शरद यादव की सुपुत्री हैं, वो भी बिहारीगंज विधानसभा सीट से हार गईं।
सत्ता की यह गाड़ी स्टेशन से निकल जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता आज भाजपा या जदयू कार्यालय के सामने फ्री की मिठाई खाकर गुलाल लगाकर अपना गुस्सा निकाल लेंगे, क्योंकि बिहार में शराबबंदी है। परंतु दूसरे राज्यों में बैठे कांग्रेस प्रवक्ता 60 ml या 80 ml रसायन वटी लेकर कुछ भी ट्वीट करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर उदित राज ने कल ही ईवीएम पर प्रश्न खड़े कर दिए, परंतु भाजपा नेताओं को इसके जवाब में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कांग्रेस के ही अन्य नेता, जिनमें से एक नेता पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम है, वो आपस में ही भिड़ गए। इस रिपोर्ट के लिए आज हमारे सूत्रों को कोई परेशानी नहीं हुई, वो आज आराम कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है और ये जग जाहिर है कि कांग्रेस कार्यालय के बाहर सन्नाटा पसरा होगा। वहीं मैग्सेसे अवार्डधारी न्यूज एंकर के विधवा विलाप पर इंटरनेट पे मेम भी बन रहे हैं। हमें विश्वास है कि कांग्रेस के प्रवक्ता जनता को चुनावी समीक्षा करने का आश्वासन देकर अगले बिहार विधानसभा चुनाव तक शीत निद्रा में चले जाएंगे। आम के बागान में कच्चे आमों पर पत्थर मारकर भाग रहे बच्चों में जो चौकीदार के हाथ लगता है उसी की कुटाई होती है। तो महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ता अभी से ही दबे स्वर में कांग्रेस पर हार का ठिकरा फोड़ने में लगे हुए हैं। तेजस्वी के बेहतरीन प्रयास के बाद भी महागठबंधन का सरकार न बना पाना न जाने आगे कौन से राजनीतिक समीकरण को जन्म देगा। तो अब कांग्रेस को यह समझना होगा कि द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज टू रियलाइज दैट देयर इज अ प्रॉब्लम। हमें और बिहार की जनता जो एक मजबूत विपक्ष चाहती है, उसे यह उम्मीद है कि चुनाव परिणाम के पश्चात कांग्रेस की समीक्षा बैठक उनके अध्यक्ष पद चुनाव के जैसी नहीं होगी। हमें उम्मीद है आपको ये राजनीतिक विश्लेषण पसंद आया होगा। अभिव्यक्ति की आजादी और विचारों का मतभेद ही लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो आपके जो भी सुझाव हो, आपके जो भी कमेंट्स हो, वो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें। अगर हमारी चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल बटन को दबाएं ताकि आपको मिल पाए हमारे सारे रेगुलर अपडेट्स। हम फिर आपसे मिलेंगे एक नए राजनीतिक विश्लेषण के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। मैं अभिषेक, नमस्कार।